बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कटिंग एंड स्टिचिंग। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अम्ब्रेला आस्तीन की कटिंग सिखाऊंगी। देखिए व्यूअर्स, मेरी स्लीव लेंथ जो है 22 इंच तैयार है। मैं इसमें 2 इंच प्लस करूँगी, आधा इंच ऊपर से जाएगा, 1.5 इंच मेरा फोल्डिंग में जाएगा। व्यूअर्स देखिए, लंबाई तो हम अपने हाथ से ले लेते हैं, लेकिन हमें चौड़ाई का मसला होता है। मैं आप लोगों को दोबारा रिपीट करती हूँ। बहुत सारे मुझसे व्यूअर्स ने पूछा था कि आप मुझे हमें बताएं कि आस्तीन की चौड़ाई कैसे निकलती है, लंबाई तो हम ले लेते हैं। मैं दोबारा रिपीट करके ये बात आप लोगों को बताती हूँ। जहाँ मेरे चेस्ट की लकीर होती है, मेरी सिलाई होती है। देखिए मैंने कमीज सी हुई हुई है, ये मेरा चेस्ट, इसकी सिलाई हुई हुई है, वहीं पर मैं अपना इंची टेप रखती हूँ। देखिए, और बैक साइड के आर्म होल से नापूंगी, फ्रंट से नहीं, फ्रंट में शेव होता है। ये देखिए मेरा इंची टेप मेरी चेस्ट की सिलाई पे। उसके बाद मैं हल्का हल्का, बिल्कुल मामूली मामूली हल्का करते करते मैं इसको राउंड में लूँगी। तकरीबन 11, आधा इंच हमारा सिलाई में चले जाएगा। तकरीबन मेरा ये 11 है, मेरा आर्म होल तैयार चेस्ट से 11 आ रहा है। मैं अपने आस्तीन की चौड़ाई 11 लूँगी। ये मेरी आस्तीन का कपड़ा है, मैंने इसको देखा कि मेरी 11 इंच चौड़ाई कहाँ आ रही है। 11 और 11 22, तो मैंने 22 पे देखा, मेरे 22 यहाँ है। मेरा आर्म होल 11 आ रहा था, 11 और 11 22, मैंने 22 से हर जगह से निशान लगाया और मैंने इसको इस तरह कर लिया। जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था वो उधर चला गया। अब मैंने इसको 4 तह में करा, 1 तह नीचे है, 1 तह ये है और 2 तह याद है। ये 4 तह में हो गया, 1 2 3 4। मैंने स्केल की मदद से कान वगैरह निकाल दी, बिल्कुल स्ट्रेट मैंने इसको साफ सुथरा कटिंग कर लिया। अब मेरी लंबाई 22 प्लस 2, 24, 24 पे मैंने निशान लगाया। लंबाई मैंने आपको बता दी और चौड़ाई किस तरह निकालते हैं ये मैं आपको बता चुकी। मैंने अपने स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ की पूरी 24 इंच पे। अब मेरे शोल्डर हैं 14, मेरे तैयार शोल्डर 14। देखिए मेरी लंबाई 24 और मेरी आस्तीन की चौड़ाई 11। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने चौड़ाई कैसे निकाली। मैंने ये पीस हटा दिया, मैं ये पीस हटा दूंगी। ये मेरी दोनों आस्तीन है 4 तह में। मेरे तैयार शोल्डर 14 है, 14 को मैं 400 में डिवाइड करूंगी तो 3.5 बनेगा, हाफ 7 होगा, 7 का हाफ 3.5 होगा। जितने हमारे तैयार शोल्डर होते हैं उतने हमारी स्लीव्स, यहाँ से मैं 3.5 रखूंगी, स्लीव्स डाउन कर रही हूँ ये मैं, यानी आस्तीन का गिरना। स्लीव डाउन मेरी 3.5 आई, मेरी तैयार शोल्डर का चौथाई हिस्सा मेरा स्लीव डाउन होता है। अगर वो 12 है तो 3 होगा, 14 है तो 3.5 होगा, चौथाई हिस्सा स्लीव डाउन आस्तीन का गिरना कहलाता है। मैं आपको अम्ब्रेला स्लीव सिखा रही हूँ तो यहाँ से मैं 13 इंच पे निशान लगाऊंगी, ऊपर से पूरी यहाँ 13, यानी ये मेरी कोहनी का हिस्सा है। मैंने यहां भी एक मार्क किया। अब मैंने अपने आर्म होल 11 नापे थे, यही मैंने चौड़ाई ली 11, और यही चीज मैं यहां लूंगी 11। ये देखिए जो मेरी आस्तीन चौड़ाई निकलेगी वही मेरा आर्म होल बनेगा।
अब मेरा कोहनी के बाद मैं 6.5 इंच रखूंगी। कि मैंने 6.5 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद 10 मेरा बॉटम है, यानी मेरा 20 था, मैंने डबल में करा, 4 दिन में तो 10 आएगा, तो मैंने 10 पे निशान लगाया। मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर कोने पे मिलाया, स्लीव डाउन को मैंने यहाँ मिलाया, मेरी आस्तीन का गिरना जहाँ आया है 3.5 इंच के बाद, यहाँ से यहाँ और यहाँ से पूरी मैंने अम्ब्रेला आस्तीन के लिए ही लगी लगाई। आस्तीन की कटिंग आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, मैं सिखा चुकी हूँ। मैंने हल्के हल्के इसको गोलाई में लिया और यहाँ से मैंने 1-1 इंच हर जगह से ज़्यादा लिया, तकरीबन 1-1 इंच यहाँ मेरी सिलाई होगी और यहाँ मेरी कटिंग होगी, यहाँ मेरी सिलाई होगी। ये देखिए मैं अपनी आस्तीन काट रही हूँ, ये मेरी अम्ब्रेला आस्तीन कट रही है। यहाँ से मैं थोड़ा सा तकरीबन 1/2 इंच का शेप दूंगी ताकि कोना ना निकले, और यहाँ भी जो मैंने करा है इसको भी मैं थोड़ा सा कोना नहीं निकालूंगी, इस तरह करूँगी। अब मैंने यहाँ कुटका लगा लिया और थोड़ा सा मैंने ये राउंड में लिया, ये देखिए आप लोग थोड़ी सी राउंड में आएगी, तो जब ये हाथ में पहनेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगी। अब मैंने अपने आस्तीन पे भी सेंटर पे कुटका दिया और मैंने स्केल की मदद से, आर्मोल स्केल की मदद से, मैंने आपको पता है कि मैं आस्तीन सिखा चुकी हूँ, मैंने को इतना फ्रंट पे मैंने अपने शेप दिया, 2 आस्तीन मेरी यहाँ रहेंगी, ये बैक है, और जहाँ मैं 2 आस्तीन पे शेप दूंगी वो मेरा फ्रंट है। ये देखिए मेरी अम्ब्रेला आस्तीन तैयार है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।